कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म के नियम को समझाने वाली सुंदर कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर वाले की अदालत में आपको आपके कर्म से पहचाना जाता है, ना कि नाम से, तो सिर्फ पुकारा जाता है। एक गरीब किसान अपने साथ में बहुत सुंदर सेब की पेटी लेकर पहुंचा। बहुत कमाल के एप्पल उसके बगीचे में हुए और वह पहुंचा एक मटके दरवाजे पर। मटका दरवाजा एक साधु ने खोला, जो हर बार दरवाजा खोलते थे। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, इस गरीब किसान उनके प्रणाम किया और कहा, महाराज आपके लिए मैंने पहली बार हमारे बगीचे में अच्छी पैदावार हुई है, मैं आपके लिए सेब लेकर आया हूँ, ये अच्छे अच्छे एप्पल हैं आपके लिए लाया हूँ। जो साधु महाराज थे उन्होंने कहा कि अरे मुझे क्यों, जो मेहनती है उनको भेंट करो। तो उस गरीब किसान ने कहा कि नहीं, मैं उनको कहाँ जानता हूँ, मैं तो दूर से उनके दर्शन करता हूँ, मुझे तो आप ही मिलते हैं और आप ही मेरा ख्याल रखते हैं। जब मेरे बगीचे में हाल बेहाल हो गए थे, खेती सही नहीं थी, बगीचे सूख रहे थे, तब आपने मुझे संभाला, आपने मुझे भोजन कराया, मेरा ख्याल रखा, तो मेरी तरफ से तो ये आपके लिए ही हैं। ऐसा बोल के वहाँ से चला गया। अभी जो साधु थे दरवाजे पर निगरानी करते थे, उस मठ की रक्षा करते थे, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए तो ये नहीं हो सकता, इतने सुंदर सेव कैसे आ सकते हैं, प्रभु का आशीर्वाद है, ये तो मुझे अपने गुरुदेव को ही समर्पित करने होंगे। सेव की पेटी लेकर पहुँच गए अपने मेहनती के पास में, उनके चरणों में जाकर रख दी कि प्रभु ये किसान अजीब से सेव देकर गया है, ऐसा बोल के वहाँ से आ गए। अब महंत जी ने सोचा कि आश्रम में एक बाबा हैं जो इस वक्त बीमार चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सेव अच्छे होंगे, हमने ऐसे सेव नहीं देखे, ये प्रभु का आशीर्वाद है, उन्हीं के लिए आया है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने वो जो सेव की पेटी थी वो उन बाबा जी के कक्ष में पहुंचा दी जो बीमार चल रहे थे। बाबा जी जब उनके पास में सेव पहुंचे तो वो देखते रहे, उन्होंने कहा, क्या बात है, ये बहुत अच्छे सुंदर सेव हैं, कभी इतने अच्छे पर नहीं देखे। अब बजाय उन्होंने खाने के, उन्होंने सोचा कि जो मेरे लिए भोजन पका रहे हैं, जो यहाँ पर मेरा ख्याल रख रहे हैं, वो जो बाबा जी हैं उन तक पहुँचा देता हूँ। ऐसा सोच करके उन्होंने जो वहाँ भोजन बनाते थे, जो साधु उनके पास रोटी पहुँचाते थे, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखते हैं, उनके पास में उन्होंने सेव पहुँचा दी, मुझे समय पर भोजन पहुँचाते हैं, मेरे तरफ से आपके लिए सेव की भेंट है, बहुत सुंदर सेव हैं, अच्छे एप्पल उनके पास में हैं, जो कि किचन का सारा काम देखते हैं। उन बाबा जी के पास में वो पेटी पहुँच गई। अब वो सेव को देख करके सोच रहे थे कि मैं क्या करूँगा, इनकी किचन में नई नई ड्यूटी लगी थी, एक नए बाबा आए थे, तो वो नए बाबा थे, ये अभी अभी जुड़े थे, उन्होंने सोचा कि इनको भेंट कर देता हूँ, उनको अच्छा लगेगा, इनका मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसा सोच करके उन्होंने उस जो सेव की पेटी थी वो नए वाले बाबा जी को दे दी। नए वाले बाबा जी ने जब देखा इतने सुंदर सेव हैं, ये मेरे लायक नहीं हो सकते, प्रभु की कृपा अभी इतनी जल्दी मुझ पर नहीं बरस सकती, मुझे एक काम करना चाहिए, जो यहाँ सबसे पहले दिखते हैं, आश्रम में आते ही मठ में आते ही दरवाजे खोलते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, निगरानी कर रहे हैं, उनको भेंट कर देता हूँ। वो जो सेव की पेटी थी उस नए बाबा ने ले जाकर उन साधु को दे दी, वापस इनके पास सबसे पहले आई थी और कहा कि महाराज जी आपके लिए इतने सुंदर सेव मैंने नहीं देखे, मैं आपको भेंट करता हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा कर रह गए और प्रभु का आशीर्वाद समझकर वो फल खा लिया। वो समझ गए कि वाकई में ये मेरे लिए आई थी, चाहे किसी भी बहाने से गई परंतु मेरे लिए ही आई थी, लेकिन घूम करके वापस मेरे पास आ गई। इस दुनिया में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो घूम करके वापस जरूर आएगा, जो आपका कर्म है उनका फल आपको जरूर मिलेगा, यही लॉ ऑफ कर्मा है, यह दुनिया का नियम है, इसी से दुनिया चल रही है। एक बार फिर से वही बात कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेहनत और प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।